रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम वला आलिहि मुत्तकीन। अस्सलाम वालेकुम। ऐ दुनिया भर के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये तकरीबन 1400 साल पहले की बात है कि अल्लाह के सबसे बड़े महबूब आकाई दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर लाए थे कि मैंने आग देखी है, जहन्नम की दहकती और भड़कती हुई आग, शोले उगलती हुई आग, जिसमें जान से चिमट जाने वाली आग। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह की बात कान खोल कर सुनो, हाजी ही नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, देखो ये है वो आग जिसे लोग झुटलाया करते थे। ये क्यामत का मुकालमा है। जहन्नम की आग न जिंदा छोड़ेगी न मरने देगी। सूरह आला आयत नंबर 13, जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाला खून, पीप और खोलता हुआ गर्म पानी जहन्नमियों को पीने को दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 16 और 17, जब जमीन भूचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूट टूट कर रेजा हो जाए। सूरह वाकया आयत नंबर 4 और 5, क्या तुम इससे जो आसमान में है बेखौफ हो चुके हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और इस वक्त वो हरकत करने लगे। सूरह मुल्क आयत नंबर 16, क्या तुम इससे जो आसमान में है नडर हो चुके हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दी जाए, सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। सूरह मुल्क आयत नंबर 17, अल्लज़ीना हुम फी खौदिन यलअबून, जो अपने बेहूदे गोई में उछल कूद कर रहे हैं, जिस दिन ये धक्के दे दे के जहन्नम की तरफ लाए जाएंगे। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बहुत बड़ी खराबी। तो फिर वो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की 72 निशानियां, जिसमें आपने फरमाया थे प्यारे नबी ने कि जब तुम देखो लोग नमाज गारत करने लगे, अमानत जाया करने लगे, सूद खाने लगे, जरा जरा सी बातों पे झूठ बोलने लगे, औलादे माँ बाप पर गमो गुस्सा करने लगे, गुनाह आम हो जाए, अमन खत्म हो जाए, मामूली बातों पर खूरेजी करने लगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगे, दीन बेचकर दुनिया कमाने लगे, बाहमी रिश्ते नाते तोड़ डालें, इंसाफ कमजोर हो जाए, जुल्म तलाक नागहानी मौत आम हो जाए, सबसे रजील इंसान कौम का कायद बन बैठे, बदकारों की आवाजें मस्जिदों में बुलंद होने लगे, शराब नोशी आम हो जाए, जनाकारी कसरत से होने लगे, औरतों की तादाद ज्यादा होगी, बरहना लिबास पहने, बाजारों में नमूदो नमाइश, ये बातें पुरानी हो गई हैं। अब तो कहते हैं कि जब हमारा जिस्म हमारी मर्जी, यानी इंतहा हो गई है, आगे निकल गई बहुत बात आगे निकल, और दावतें गुनाह देंगी, लड़कियां औरतें आपे से बाहर हो जाएंगी, औरतें बागी होंगी, घर घर नाच गाना होगा, ये भी 50 साल पहले की बात है, औरतें बूढ़ों और बुजुर्गों को झिड़केंगी, मर्दों औरतों से शर्मो हया रुखसत हो जाएगी और मर्द नेकी का रास्ता छोड़ देंगे, इस्लाम का नाम रह जाएगा, कुरान के लफ्ज रह जाएंगे, सू पैदा होगी, पर कायम रहने वाले की हालत ऐसी होगी जैसे इसने अंगारा हाथ में पकड़ लिया, हदीस से इनकार किया जाएगा, मुसलमानों की अक्सरियत होगी मगर बदकार और बेकार होगी, मुसलमान मारदार होंगे मगर दीनदार नहीं होंगे, अमीर लोग हज बतौर तफरी करेंगे और हज देख लें 37-37, 40-40 लाख का हज हो रहा है और बूफे साथ चलते हैं, हज तो रुल जाने का नाम था, हज तो मिट्टी मिट्टी होने का नाम था। हाँ, यहाँ बड़े बड़े हमारे आलिम जो टीवी पे बैठे हैं, इन्होंने ये खुला हुआ है और हम इन्हें अल्लाह वाला समझ रहे हैं और ये 40-40, 45 और आगे बताते फिरते हैं लोगों को, हमने 45 लाख का आज किया। हक वाले अल्लाह वालों के दुनिया से रुखसत होने से इलम मर जाएगा, लोग मस्जिदों में बैठकर दुनिया की बातें करेंगे, तुम इनके पास भी ना बैठना, अल्लाह को इनकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे में कुफार मुसलमानों को घेरा डाल लेंगे। आज देखें ये बात भी पूरी हो गई, और समझ लेना कि तुम्हारी हलाकत का वक्त करीब आ गया। चेचिनिया, कोसोवो, बोस्निया, इराक, मिस्र में भी इन्होंने कितना तबाही मचाई, आज फलस्तीन, और फिर पहले फरमाया कि जब शाम की बर्बादी देखो तो फिर दुनिया से खैर खत्म हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, और फिर ये सऊदी अरब की बर्बादियां ये जो हम देख रहे हैं, तो ये बातें भी हैं। उस वक्त मैंने ये कलमा पेश किया था प्यारे नबी कहने पे कि भी कलमा, अब वक्त की जरूरत है, हर जुबान पर अल्लाह का जिक्र होगा तो ये पावर उठेगी, और इसमें दुरूद पाक लाजिम है,
استغفار بھی ضروری ہے اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص کملی والے جیا نہیں ہور منگتا جیڑا آل نبی دا منگتا جیڑا آل نبی دا اونوں روے نہ تھوڑ کملی والے جیا نہیں ہور کملی والے جیا نہیں ہور شانہ تیریاں سب تو اچیاں کلا تیریاں سب تو سچیاں شانہ تیریاں سب تو اچیاں کلا تیریاں سب تو سچیاں کلا تیریاں سب تو سچیاں جیڑا آقا دے لڑ لگیا جیڑا سونے دے لڑ لگیا جیڑا مدنی دے لڑ لگیا بن گیا ہور دا ہور کملی والے جیا نہیں ہور بو بکرو عثمان عمر دا حسن حسین علی حیدر دا حسن حسین علی حیدر دا پھڑ لے پلہ گنج شکر دا پھڑ لے پلہ گنج شکر دا داتا ہے لاہور کملی والے جیا نہیں ہور کملی والے جیا نہیں ہور آل نبی دا پھڑ لے پلا پھر کتے نہ رہ گا کلا حسن حسین دا پھڑ لے پلا پنجتن پاک دا پھڑ لے پلا پھر کتے نہ رہ گا کلا پھر کتے نہ رہ گا کلا اینا دا لجپال گرانا اینا دا لجپال گرانا اینا دے ہتھ وچ ڈور کملی والے جیا نہیں ہور کملی والے جیا نہیں ہور اللهم بك سبحانه وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
तमाम तारीफ सिर्फ तेरे ही लिए है, तेरा नाम बड़ी बरकत वाला है, जात इंतहाई बुलंदी वाली है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। रहमान और रहीम है मेरे अल्लाह, वसीम है मेरे अल्लाह, मेरे नबी की पूरी उम्मत को बख्श दे, आमीन। शरीफैन की हिफाजत कर, इस्लाम की हिफाजत कर, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे वालदैन पर रहम फरमा। अल्लाह अपने तमाम साथियों के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह इन पर खास रहमतों का नज़ूल फरमा, इनके जरिए पूरी दुनिया में कलमा हक जारी फरमा, परवरदिगार आलम दीन इस्लाम का बोल बाला फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों को राह हदायत दे मौला, इनको अल्लाह वाला बना मेरा। आमीन। अल्लाह आने वाले वक्तों में दुनिया में जो भी होने जा रहा है मेरे मौला, हमारे ईमान और इस्लाम की हिफाजत कर। आमीन। ऐ रब करीम खुदाए अज़ीम, अल्लाह हमारी ये दुआएं कबूल और मंज़ूर। आमीन। नागहानी आफात मुसीबतों परेशानियों से बचा। आमीन। जिल्लत वाली बीमारियों से बचा। आमीन। रब्बिल फिर वरहमा अंता खैरुर राहिमीन। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वाली वसहबी अजमईन। आमीन। 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 आमीन।